हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स, जिसमें हम ब्रायोफाइट्स से पाए जाने वाले रिप्रोडक्शन के बारे में देखेंगे, ब्रायोफाइटा में प्रजनन। तो जब ब्रायोफाइटा में हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो प्रकार का रिप्रोडक्शन देखा जाता है, एक है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से मतलब क्या हो गया कि प्लांट का कोई थैलस, जो थैलस है उसका कोई पार्ट टूट करके अलग हो जाएगा और वो नया प्लांट बना रहा है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा कि प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होगा, गैमेट्स बनेंगे और उनके बीच फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहला इसमें देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, जिसे हम हिंदी में कायिक जनन भी कहते हैं। इसका सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस। थैलस का जो पुराना पार्ट होगा उसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नए पार्ट का बनना, थैलस के वृद्ध भागों में विखंडन। तो इसमें क्या होता है, जो ब्रायोफाइट है उसमें थैलोइड और लीफी दोनों प्रकार का थैलस देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होता है, जो आधारीय भाग है वो तो गल जाएगा थैलस का, और थैलस का अग्र भाग डायकोटोमसली ब्रांच हो करके दो ब्रांचेज को स्वतंत्र कर देगा, और जो आगे वाला भाग है वो बिल्कुल अलग हो जाएगा जो पीछे गले हुए भाग से और नया थैलस बना देता है। तो ब्रायोफाइट में थैलोइड एंड लीफी दोनों प्रकार के थैलस पाए जाते हैं। थैलस का आधारीय भाग गल जाता है और थैलस का अग्र भाग डायकोटोमसली ब्रांच्ड होकर दो ब्रांचेज को स्वतंत्र कर देता है। आधारीय भाग अब जो गल गया था वहां से ही थैलस का जो आगे वाला पार्ट था वो अलग हो जाएगा, दोनों अग्रिम भाग स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करते हैं। अब जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाए गए ये ओल्ड थैलस है, अब इसमें क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे डिके दिखा दिया कि ये बिल्कुल गल चुका है। अब इसमें जो आगे वाले पार्ट थे, जो डायकोटोमसली ब्रांचिंग हो रही थी, ये यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये क्या हुआ, यहाँ से सेपरेट हो गई, ये सेपरेट हो गई और नया थैलस बना देगी। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन इन ब्रायोफाइट्स पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं एडवेंटिटियस ब्रांचेज। एडवेंटिटियस ब्रांचेज का मतलब होता है अपस्थानिक शाखाएं, जैसे यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो ब्रांचेज हैं इनके ऊपर, जैसे थैलस है थैलस के ऊपर ही छोटी छोटी इस तरीके की ब्रांचेज लग जाएंगी जो एडवेंटिटियस ब्रांचेज कहलाएंगी। थैलस के आधारीय भाग की मध्य शिरा से जो मिडरिब होती है, आधार मिडरिब पाई जाएगी, और मिडरिब का जो नीचे वाला पार्ट होगा वहां से एडवेंटिटियस ब्रांचेस डेवलप होती हैं, और प्रत्येक ब्रांच थैलस से अलग होकर न्यू थैलस डेवलप करती है। और जैसे एग्जांपल है इसका पेलिया, एडवेंटिटियस ब्रांच थैलस की डॉर्सल सरफेस या ऊपरी पृष्ठ सतह से डेवलप होती है पेलिया में। इसी तरह से जो मार्केंशिया है उसमें आर्किगोनियोफोर स्त्रीधानिधर के व्रंथीय भाग से समर्थित होती है, और इसी तरह से टर्जियोनिया, इनमें ये एडवेंटिटियस ब्रांचेस पाई जाती है। तो इसके एग्जांपल हो गए पेलिया, मार्केंशिया, टर्जियोनिया। तीसरा है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय प्रोटोनिमा इन मॉसेस। मॉस में प्रोटोनिमा से कायिक संवर्धन, तो हैप्लोइड स्पोर है। प्रोटोनिमा क्या होगा, जब हैप्लोइड स्पोर होता है वो जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट होकर के जो सबसे पहले फिलामेंटस थैलस बनाता है प्रोटोनिमा कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये हैप्लोइड स्पोर है वो जर्मिनेट होकर के प्रोटोनिमा बनाएगा, तंतु में भाग के रूप में उत्पन्न होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ब्रांच्ड होगा, बाद में गैमिटोफोर युग्मक बनाता है। गैमेटोफोर होता है जो इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट के रूप में पाया जाता है, और ये मॉसेज में देखा जाता है प्रोटोनिमा। फिर इसी तरह से देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ट्यूबर, कंद द्वारा कायिक संवर्धन। तो ट्यूबर्स का फॉर्मेशन रेनी सीजन के बाद प्रतिकूल वातावरण में चिरकालिकता या पेरेनेशन हेतु निर्मित होता है। पेरेनेशन हो गया कि एक ड्राई सीजन है तो एक ऐसी स्ट्रक्चर बना दी जाए कि जो उस ड्राई सीजन को टॉलरेट कर सके, और नेक्स्ट जो फेवरेबल कंडीशन है तब तक वो जो लिविंग स्ट्रक्चर है जीवित रह सके। तो इस तरह से चिरकालिकता के लिए ट्यूबर्स का फॉर्मेशन होता है ट्यूमर में, मोस्टली लीवर वर्ट्स में ये पाए जाते हैं, और ट्यूबर राउंड स्ट्रक्चर होते हैं और ग्रोइंग पॉइंट इनमें पाए जाएंगे, इनमें रिजर्व फूड होता है। तो इस तरह के ट्यूबर पाए जाते हैं, ट्यूबर राइजोइड द्वारा कवर्ड रहता है, फेवरेबल कंडीशन आएगी, जर्मिनेट हो जाएंगे और नया थैलस बनाते हैं, एग्जाम्पल है रिक्सिया। इसी तरह से एवरंट कंद, मतलब कि जिनमें स्टॉक नहीं होगा, एंथोसरोस में पाए जाते हैं, और ये थैलस पर भी अलग अलग रूप से वितरित रहते हैं, जैसे कि थैलस के किनारे रिक्सिया डिस्कलर,
एंथोसिरोस इनमें, इसी तरह से थैलस के आधारीय भाग में एंथोसिरोस हिमालियंसिस में थैलस के शीर्ष पर, तो ये अलग अलग जगह इनकी प्रेजेंस पाई जाती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं प्रोपेगेशन बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स, चुल्लगन वृद्धि शीर्ष द्वारा संवर्धन। थैलस के शीर्ष भाग के अलावा अन्य सभी भाग मृत प्राय हो जाते हैं, मतलब कि जो एपिकल पॉइंट्स होंगे ग्रोइंग पॉइंट्स उनके अलावा पूरा थैलस डेड हो गया। अब ये एपिकल रीजन फूल कर मोटे हो जाते हैं और इसमें रिजर्व फूड पाया जाता है, फेवरेबल कंडीशन होते ही दोबारा नया थैलस बना देगा। फिर नेक्स्ट है प्रोपेगेशन बाय क्लेरिया। क्लेरिया क्या होता है कि जो लीफी मेंबर है मेन थैलस से कोई ब्रांच टूटकर अलग हो गई, क्लेरिया कहलाती है। लीफी मेंबर्स भी पाए जाते हैं मेन थैलस से अलग हुआ ब्रांच पार्ट, तो ये क्लेरिया कहलाएगा। दो प्रकार के होते हैं लीफ क्लेरिया और स्टेम क्लेरिया। जो ब्रायोप्टेरिस फ्रूटिकुलोसा है इसमें दोनों प्रकार के क्लेरिया पाए जाते हैं। लीफ क्लेरिया का मतलब हो गया लीफी रीजन टूट करके अलग हुआ और उससे कोई नया थैलस बन रहा है। स्टेम क्लेरिया स्टेम का कोई पार्ट टूट करके अलग हुआ और उससे नया थैलस बन रहा है। तो इस तरह से दो प्रकार के क्लेडिया इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोपगेशन बाय इनोवेशन इन स्फैग्नम। स्फैग्नम में क्या होता है नव शाखाओं इनोवेशन जिन्हें नव शाखा कहते हैं, इनके द्वारा संवर्धन होता है। तो कोई भी शाखा सीधी होकर ऊपर की ओर बढ़ने लग जाती है, ठीक है। देखिए मेन थैलस है या मेन प्लांट बॉडी है उसी की साइड से नई शाखा निकलेगी और यह मेन जो प्लांट होता है उसी के समान ग्रोथ करता है, मुख्य शाखा के समान हो जाता है और इनोवेशन कहलाती है। मेन प्लांट से अलग होकर न्यू प्लांट बनाती है, इसी कारण इस स्फैग्नम तेजी से वृद्धि करके सघन समूहों में पाया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट आता है प्रोपेगेशन बाय गैमा, गैमी द्वारा संवर्धन। तो सबसे ज़्यादा गैमा द्वारा होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन गैमा द्वारा होता है। पेरेनेशन चिरकालिकता हेतु निर्मित स्ट्रक्चर होती है। गैमा क्या होगा स्टॉक्ड और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर ये होती है गैमा या गैमी भी इसे कहते हैं। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सबसे ज़्यादा ब्रायोफाइट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसी के द्वारा ही पाया जाता है। हिपेटिक ऑप्सीडा के मेम्बर्स में बहुत ज़्यादा पाई जाती है और एंथोसिरोटॉप्सिडा में ये कम पाई जाती है। लीवरवर्ट एंड मॉसेज जिनमें गैमी पाई जाती है जैसे हिपेटिक ऑप्सिडा के मेंबर हो गए मार्केंशियल्स मैटजेरियल्स जंगरमैनियंस इनमें ये पाई जाती है। अब यहाँ पे मार्केंशिया के गैमी कप का डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें ये कुछ इस तरह की बीच में एक फरो है नोच हैविंग ग्रोइंग पॉइंट्स और ये ऑयल ग्लैंड दिखाई है इसमें और ये स्टॉक से ये गैमेटोफाइट थैलस से अटैच है। मार्केंशिया में जो गैमी होती है गैमा कप के अंदर पाई जाती है। कप के ऊपरी सतह पर फ्रिंज्ड लहरदार सतह होती है। 13 से 16 गैमी एक कप के अंदर पाई जाएंगी। गैमी ग्रीन कलर की और बाइकॉनकेव कॉन्वेक्स द्वितल संरचना होती है। सतह पर म्यूसिलेजिनस हेयर पाए जाते हैं जो हाइग्रोस्कोपिक आर्द्रता ग्राही होते हैं। गैमी में क्लोरोफिल ऑयल सेल राइजोइडल सेल पाई जाती है। दो लेटरल नोच पाई जाएगी और इसमें ग्रोइंग पॉइंट पाया जाता है और जर्मिनेट होकर के नया थैलस ये बनाता है। तो इस तरह से ये जो गैमी है वो पाई जाएगी, कप शेप्ड हो गई और एक ही कप में बहुत सारी गैमी पाई जा रही है। ग्रीन कलर की है और इसके अलावा म्यूसिलेजिनस हेयर है जो कि हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने के कारण क्या होगा ये आर्द्रता ग्राही नेचर के हैं और मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल है और ऑयल सेल राइजोइडल सेल ये सब इसमें पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है स्टोलन फॉर्मेशन इन मॉसेज, भूस्तरी द्वारा मॉस में काइक प्रेजेंट। स्तंभ के आधारी भाग से स्टोलन रूपी शाखाएं निकलती है। जो स्तंभ होगा या जो स्टेम है उसमें नीचे की तरफ से शाखाएं निकलेंगी, स्केली लीव से कवर रहती हैं और सॉइल में ही पाई जाती है। फेवरेबल कंडीशन आने पर ये ग्रोइंग पार्ट्स ग्रोथ करते हैं और डेवलप होकर गैमेटोफाइट प्लांट बनाते हैं। फिर नेक्स्ट है बल्बिल या बल्बिल फॉर्मेशन इन रूट ऑफ मॉस, मॉस की जड़ों में प्रकलिका का निर्माण। तो ये बायरम मॉस में पाया जाता है
और जड़ों में बुलबिल का या प्रकलिका का निर्माण हो जाता है। गोलाकार संरचना होती है, फेवरेबल कंडीशन आने पर न्यू गैमेटोफाइट एक प्लांट ये बना देता है। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस प्रकार से पाया जाता है। तो इसमें सबसे पहला था फ्रेगमेंटेशन ऑफ ओल्डर पार्ट ऑफ द थैलस, दूसरा था एडवेंटिटियस ब्रांचेज, तीसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय प्रोटोनिमा इन मॉसेज, चौथा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय ट्यूबर, और इसके अलावा पांचवा प्रोपेगेशन बाय परसिस्टेंट ग्रोइंग एपिक्स, छठा प्रोपेगेशन बाय क्लैडिया, सातवा प्रोपेगेशन बाय इनोवेशन इन स्फैग्नम, प्रोपेगेशन बाय गैमा, और मार्किनशिया का जैसे इसमें एग्जांपल दिया, स्टोलन फॉर्मेशन इन मॉसेज, बल्बिल फॉर्मेशन इन रूट ऑफ मॉस। तो ये आज का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बायोफाइट्स टॉपिक था।